Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss mineral nutrition in plants. Mineral nutrition in plants. मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, किस तरह से मिनरल ज़्यादातर वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो आयोनिक फॉर्म के अंदर सॉइल से ऑब्टेन किए जाते हैं और ये प्लांट रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब करता है सॉइल से. और इसके अगर मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन होती है को पढ़ते हैं, होती है किसके अंदर मिनरल्स की बाय द प्लांट्स उनकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए. द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है, पहले एब्जॉर्ब करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यूटिलाइजेशन करते हैं. और मिनरल्स बेसिकली बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिलेबस के अंदर चार बेसिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्राइमरी मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और मैग्नीशियम. नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और मैग्नीशियम. अच्छा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, सबसे पहले हम नाइट्रोजन को पढ़ते हैं, तो उसका जो सोर्स है, प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. किस तरह से हासिल करते हैं? सॉइल से, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड अमोनियम आइंस. किस फॉर्म में हासिल करते हैं सॉइल से? नाइट्रेट्स की फॉर्म में, नाइट्राइड्स की फॉर्म में और अमोनियम आइंस की फॉर्म में. अगर इसकी फंक्शंस को देखें तो नाइट्रोजन मेजर कंपोनेंट होता है इंजाइम्स, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए आरएनए का, वाइटामिन्स का और क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का. जैसे कि क्लोरोफिल में अगर पायरोल जो होता है, पायरोल रिंग जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, उसमें एक नाइट्रोजन होता है और चार कार्बन होते हैं, फाइव कार्नर होता है जो सेंट्रली नाइट्रोजन अटैच होता है मैग्नीशियम के साथ के और रिंग बनाता है पोरफायरिन रिंग क्लोरोफिल का. ओके, सो इसकी डिफिशियंसी क्या है? डिफिशियंसी में सबसे पहले डिफिशियंसी है लीव्स टर्न पेल येलो, येलोइंग ऑफ लीव्स होती है, मतलब लीव का जो कलर है वो येलोइश हो जाता है, पेल येलो कलर हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल. क्योंकि नाइट्रोजन कम है तो ऐसी बात है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, तो इसलिए लॉस ऑफ क्लोरोफिल होगा और लॉस ऑफ क्लोरोफिल कॉल्ड क्लोरोसिस. क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं. क्लोरोसिस इज कॉल्ड, इट इज नोन एज लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल. ओके, इस क्लोरोफिल की कमी की वजह से लीव का कलर क्या हो जाता है? पेल येलो कलर हो जाता है, पेल येलोइश कलर हो जाता है. अब दूसरा अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन सबसे रैपिड ग्रोथ देता है, तो रैपिड ग्रोथ के लिए हम कहेंगे सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन होती है ग्रोथ के लिए. तो जो सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन होता है अगर नाइट्रोजन कम है तो वो क्या हो जाएगा? इनहिबिटेड हो जाएगा, रुक जाएगा. तीसरा, अगर जाहिर सी बात है ये सेल एलोंगेशन और सेल डिवीजन रुक गए हैं तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगी, रुक जाएगी, या आप कह सकते हो स्लोवर हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. चौथा, कि कुछ प्लांट्स के अंदर जो जो लीव्स होते हैं उनके अंदर जब नाइट्रोजन की कमी आती है तो उनके लीव्स में एंथोसायनिन एक पिगमेंट है जो इसका कलर है पर्पल और रेड कलर होता है. जो कौन सा कलर देता है? पर्पल और रेड कलर देता है एंथोसायनिन. कौन सा पिगमेंट है बेटा? एंथोसायनिन पिगमेंट है. तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो वीन्स हैं या लीव्स हैं उनके कलर, उनका कलर क्या होता है? पर्पल या रेड हो जाता है. एग्जाम्पल दूँ तो टोमेटो और एप्पल है, एप्पल के जो लीव्स अगर आप देखोगे तो कुछ जब भी नाइट्रोजन की कमी होगी तो वहाँ पर उसके लीव्स में आपको येलोइश कलर, सॉरी ब्लूइश कलर नज़र आता है. एक्चुअली वो ब्लूइश कलर पर, सॉरी पर्पलिश कलर नज़र आता है. वो एक्चुअली क्यों नज़र आ रहा है? वो एंथोसायनिन पिगमेंट जब ज़्यादा हो जाता है, क्लोरोफिल कम होगा, एंथोसायनिन ज़्यादा हो जाता है. उसके बाद टिलरिंग इज रिड्यूस्ड. अच्छा, टिलरिंग क्या है? अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ टिलरिंग क्या है, ये टिलर क्या होते हैं, टिलर का अगर आप जानना है तो आप सबसे पहले इस डायग्राम के ऊपर आएँ, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ टिलरिंग क्या है. देखें, आप एक प्लांट है जिसकी एक मेन स्टेम है. ये क्या है? मेन स्टेम है. मेन स्टेम से मेन एक्सिस है. मेन एक्सिस को हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं. सॉरी, यस, मेन एक्सिस को क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं. अब स्टेम के ऊपर बर्ड्स मौजूद होते हैं. क्या होते हैं? बर्ड्स. और हर बर्ड के पास पोटेंशियल होता है कि वो शूट को फॉर्म करे. Each bird has the potential to form shoot. Shoot को form कर सके. अब shoot क्या है मैं आपको बताऊंगा last में. So ये bird है और दूसरा bird है, और दूसरा bird ये जो हमारे पास है जो बाहर की तरफ निकला है, ये auxiliary bird है जिसको हम lateral bird भी कहते हैं.
क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड या लेटरल बर्ड, ओके, जहाँ से शूट्स निकलती हैं, जैसे कि ब्रांचेज अराइज होती हैं, ब्रांचेज निकलती हैं, क्या निकलती हैं, ब्रांचेज निकलती हैं, और उनमें से लीव्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, लीव्स, और ऑक्सिलरी बर्ड को हम लेटरल बर्ड कहते हैं। और हर बर्ड के पास पोटेंशियल है किस चीज़ की बेटा, किस चीज़ की पोटेंशियल है, ईच बर्ड हैज़ द पोटेंशियल टू फॉर्म शूट, ओके। और दूसरा है टर्मिनल बर्ड, जो टेन पे ऊपर नजर आ रहा है, ये टर्मिनल बर्ड है, ऑक्सिलरी बर्ड, उसके बाद टर्मिनल बर्ड, ओके। और दो बर्ड के दरमियान में, अब यहाँ पर एक्चुअली ये बर्ड्स हैं जो बाहर की तरफ निकले हैं, अब यहाँ से बर्ड अराइज हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं नोड, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड, जहाँ से बर्ड अराइज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नोड, ओके। बर्ड से क्या निकलेंगे, ब्रांचेस, और बर्ड जहाँ से निकल रहे हैं वो नोड, तो नोड और सेकेंड नोड, दो नोड के दरमियान में मौजूद होता है इंटर नोड। अब नोड क्या होते हैं, पॉइंट वेयर लीव्स आर अटैच्ड, जाहिर सी बात है यहाँ से ब्रांच निकलेगी और ब्रांच से लीव निकलेगी, लीव निकलेगा, सो दैट्स, तो यहाँ से बर्ड निकल रहा है तो बर्ड से क्या निकलेगा, लीव, यहाँ हम कह सकते हैं ब्रांचेस निकलती हैं, सो या फ्लावर निकल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नोड है ना, नोड से बर्ड अराइज होगा, या आप कह सकते हो लीव्स अराइज होते हैं या अटैच होते हैं बर्ड के साथ, ओके, लीव्स अटैच होते हैं, पॉइंट वेयर लीव्स आर अटैच। दो नोड के दरमियान में क्या होता है, इंटर नोड होता है, स्पेस बिटवीन टू नोड्स कॉल इंटर नोड, ओके। अब हम बात करें कि जो टिलर है वो क्या है, देखें जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस है वो स्टेम है, यहाँ से जो ब्रांचेज अराइज होंगी, मेन एक्सिस से जो ब्रांचेज अराइज हो जाते हैं, उन ब्रांचेज को क्या कहते हैं, टिलर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, टिलर्स, टिलर्स, टिलर इज अ स्टेम विथ लीव्स एंड फ्लावर्स। तो आप शूट को कह सकते हो, शूट क्या है, शूट इज अ स्टेम, शूट एक स्टेम ही है, एक्चुअली ये स्टेम ही है, लेकिन वो स्टेम जहाँ से ब्रांचेज, या आप कह सकते हो ब्रांचेज लीव्स और फ्लावर्स निकले, स्टेम अलॉन्ग विथ लीव्स एंड फ्लावर्स एंड बर्ड्स, इसमें लीव्स भी हों, ब्रांचेज भी हों, फ्लावर्स भी हों और बर्ड्स भी हों, उस स्टेम को हम कहेंगे शूट कहेंगे, क्या कहेंगे, शूट कहेंगे। तो शूट को ही टिलर कहते हैं, या कह सकते हो ऐसा स्टेम जहाँ से, जहाँ जिसके पास लीव और फ्लावर्स हों, या कह सकते हो मेन एक्सिस से जो ब्रांचेज अराइज हों तो उसे हम टिलर कहते हैं। अब दोबारा से यहाँ पर आ जाएं, मैं आपको टिलर का बता दूँ, हम पढ़ रहे थे टिलर इज रिड्यूस, टिलर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, टिलर्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, कम हो जाती है, और टिलर क्या है, ब्रांचेज अराइजेज फ्राम मेन एक्सिस, ब्रांचेज अराइज फ्राम मेन एक्सिस या स्टेम, मेन स्टेम से जो ब्रांचेज अराइज होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टिलर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, टिलर्स कहते हैं, ओके। सो मेन स्टेम से जो ब्रांचेज अराइज होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, टिलर। और उसके बाद टिलर समझ में आ गया, टिलरिंग इज रिड्यूस, मतलब जो ब्रांचेज होंगे, ब्रांचेज जो निकल रही थी वो रुक जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, ब्रांचेज रिड्यूस हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो सीरियल्स के अंदर आपको ज़्यादा नज़र आता है, सीरियल्स जितने भी दालें वगैरह होती हैं, या सॉरी सीरियल्स होती हैं, तो उन गंदम वगैरह जो भी है, तो वहाँ पर सीरियल्स की जो ग्रोथ है वो एक क्रॉप है, जिसके जो टिलर्स, टिलरिंग होती है उसके अंदर, वो टिलरिंग क्यों होती है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। छठा और आखिरी इम्पॉर्टेंट्स सॉरी डिफिशियंसी देख लें कि फॉइलेज ऑफ लीव्स, फॉइलेज ऑफ लीव्स, फॉइलेज ड्यू टू प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी एंड अर्ली सिनेसेंस, अब सिनेसेंस एज जो कहते हैं, प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी और सिनेसेंस की वजह से फॉइलेज ऑफ लीव्स होती है, फॉइलेज ऑफ लीव, ओके, मतलब लीव्स का झड़ जाना वगैरह, पत्तों का जो गिर जाना, ये नाइट्रोजन की वजह से होता है, फॉइलेज मतलब बूढ़ा लीव्स जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी ओल्ड हो जाते हैं, ओके, फॉइलेज हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ओके। सो ये नाइट्रोजन की है इम्पोर्टेंस, मिनरल न्यूट्रिशन आपने पढ़ा, नाइट्रोजन कैसे इंपॉर्टेंट है, और इसकी डिफिशियंसी हो तो क्या क्या होगा, लीव्स का कलर पेल येलो हो जाएगा, जिसको क्लोरोसिस कहते हैं, सेल डिवीजन, सेल एलोकेशन इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाएगी, और क्लोरोफिल की कमी की वजह से कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स में एंथोसाइनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, एंथोसाइनिन पिगमेंट है जो पर्पल और रेड कलर देता है, जैसे कि टोमेटो और एप्पल, टिलरिंग रिड्यूस हो जाएगी, जो मेन एक्सिस होता है प्लांट का स्टेम, वहाँ से जो ब्रांचेस निकलती हैं जिसमें फ्लावर्स, स्टेम सॉरी लीव्स और बर्ड्स आ जाते हैं, तो उसको हम शूट कहते हैं, शूट को या टिलर्स कहो,
और फॉयलेज ऑफ लीव्स की फॉयलेज होती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी एंड अर्ली सिनेसेंस की वजह से। ओके और अगर हम बात करें, सेकंड है हमारे पास फॉस्फोरस। सेकंड हमारे पास क्या है? फॉस्फोरस है। अब फॉस्फोरस की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए फॉस्फोरस की बात करूँ तो फॉस्फोरस हमारे पास प्लांट्स के अगर सोर्सेज देखें तो ये सॉइल से हासिल करता है प्लांट। फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस सच एज फॉस्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में हासिल करता है सॉइल से प्लांट्स। फंक्शन क्या है? फॉस्फोरस इज इज द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ओके, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का, को एंजाइम NAD और NADP और ATP और NADP हाई एनर्जी कंपाउंड्स के अंदर भी मौजूद होता है। क्या? फास्फोरस। अगर हम डिफिशियंसी देखें फास्फोरस की तो फास्फोरस की डिफिशियंसी क्या है? कैम्बियल एक्टिविटी इज रिड्यूज। कैम्बियल एक्टिविटी क्या हो जाएगी? रिड्यूज हो जाएगी। कैम्बियल एक्टिविटी एक्चुअली ये जो कैम्बियम होता है ना, कैम्बियम, कोर कैम्बियम आपने पढ़ा होगा, वेस्कुलर कैम्बियम, जो जो सेकेंडरी ग्रोथ देते हैं जिसकी वजह से डायामीटर प्लांट का जो है वो इंक्रीज होता है, तो इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ रिड्यूस होगी, कम होगी, जिसकी वजह से प्लांट का डायामीटर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। दूसरा, टिलरिंग इज रिड्यूस, टिलरिंग होगी, टिलरिंग कम होगी, ब्रांचिंग कम होगी। दूसरा, ग्रोथ इज रिटार्डेड, ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, रुक जाएगी। नेक्रोटिक पैचेस या नेक्रोसिस अपीयर्स ऑन लीव, लीव्स के ऊपर नेक्रोसिस होगी और टिश्यूज की डेथ हो जाएगी, वहाँ पर लीफ के टिश्यूज की डेथ होती जाएगी और वहाँ पर हम आपको डार्क ये एरियाज नज़र आएंगे। लीव्स कलर इज एबनॉर्मल, कुछ अच्छा कलर्स का, लीव्स का जो कलर होगा फास्फोरस की कमी की वजह से वो एबनॉर्मल होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में है फ्रेंच बीन्स। क्या है? फ्रेंच बीन्स, जिस इसका साइंटिफिक नेम है फैसेलस वल्गेरस, फैसेलस वल्गेरस, जिसका कलर क्या हो जाता है? ओलिव ग्रीन। पाइजम सैटिवम, जैसे कि पी प्लांट है मटर का, उसको उसका कलर हो जाता है पेल ग्रीन। ओके, लीव्स का कलर है, क्या हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है इनके। और अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए फास्फोरस की वजह से मूवमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट की, अगर कार्बोहाइड्रेट की मूवमेंट ही ना हो तो कार्बोहाइड्रेट एक ही जगह पर जमा होता जाएगा, जिसकी वजह से एक ही जगह पर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर डार्कनिंग ऑफ लीव्स आपको नज़र आएगी। जहाँ पर आपको लीव्स के ऊपर डार्क एरियाज नज़र आएँ तो आप समझ जाना कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की एक्यूमुलेशन हुई है। थिकनिंग ऑफ ट्रेकियल सेल्स आर रिड्यूज, जो ट्रिकिया होता है ना, ट्रिकी जो होता है, जैसे कि आप ट्रिकिया एक टिश्यू है जो वस्कुलर टिश्यूज के अंदर पाया जाता है, सेल है, उसकी जो थिकनिंग है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाए, वो ज़्यादा थिक नहीं होता। ओके, फ्लोएम, जिसकी वजह से फ्लोएम डिफरेंशिएशन बिकम्स इनकम्प्लीट, फ्लोएम का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाती है? इनकम्प्लीट हो जाती है। क्लियर है? सो कैम्बियल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, टिलरिंग रिड्यूस होती है, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, स्टंट हो जाती है, नेक्रोटिक पैचेस या नेक्रोसिस अपीयर होता है लीव्स के ऊपर, लीव्स का कलर एबनॉर्मल हो जाएगा, एक्यूमुलेशन होगी कार्बोहाइड्रेट की, और जो थिकनिंग है ट्रिकल सेल्स की वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और फ्लोएम की जो डिफरेंशिएशन है वो इनकम्प्लीट होगी। ओके, उसके बाद हमारे पास है पोटाशियम। अच्छा, पोटाशियम जो कि मेजर सोर्स है, अगर आप बताऊँ तो पोटाशियम तीन फॉर्म में प्लांट्स को हासिल होता है, तीन फॉर्म में हासिल करता है। देखिए पोटाशियम तीन तरह के होते हैं प्रेजेंट इन सॉइल, सॉइल के अंदर तीन तरह के होते हैं। एक होता है अनअवेलेबल पोटाशियम, जो कि सॉलिड रॉक्स के अंदर होता है और क्ले मिनरल्स, चिकी मिट्टी के मिनरल्स के अंदर मौजूद होता है। इट इज़ अनअवेलेबल फॉर प्लांट्स अपटेक, जिसको प्लांट कभी अपटेक कर ही नहीं सकते। ओके, प्लांट्स कभी भी उसको अपटेक नहीं कर सकते। ऐसे मिनरल को हम क्या कहेंगे? ऐसे मिनरल्स को हम कहेंगे अनअवेलेबल पोटाशियम कहेंगे। स्लोली अवेलेबल या लेस या फिक्स्ड कह सकते हो, या लेस अवेलेबल कह सकते हो, या फिक्स भी कह सकते हो। इसको सबसे पहले प्लांट ट्रैप करते हैं, फिर क्ले के अंदर डिजोल्व किया जाता है, क्योंकि क्ले जब वेट हो जाता है के तो वहाँ से मिनरल रिलीज होता है, ये जो पोटाशियम है वो रिलीज होता है सॉइल वाटर के अंदर, सोल्यूशन में, सॉइल्स की सोल्यूशन के अंदर वो रिलीज हो जाता है। पहले ट्रैप करते हैं, स्लोली स्लोली ट्रैप होता है, फिर क्ले वो ट्रैप होता है, मिट्टी जिसे कहते हैं क्ले के अंदर,
फिर वो जब वेट होता है तब जाकर वो थोड़ा सा वहाँ से पोटाशियम रिलीज होता है सॉइल की सॉल्यूशन के अंदर आता है, इसीलिए ये लेस अवेलेबल होता है या स्लोली अवेलेबल होता है प्लांट्स, या प्लांट्स से स्लोली अपटेक करते हैं। तीसरी जो क्लास है पोटाशियम की वो है रेडियली अवेलेबल पोटाशियम है या एक्सचेंजेबल पोटाशियम है, जिसको प्लांट सबसे ज़्यादा अपटेक करते हैं। ओके, रेडियली अवेलेबल या एक्सचेंजेबल, ओके, या इजीली अवेलेबल भी कह सकते हैं आप इसे। फाउंड इन सॉइल वाटर, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होता है। एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स इन द फ्रॉम द सरफेस ऑफ क्ले पार्टिकल्स, जो सरफेस है क्ले का वहाँ से इजीली अवेलेबल पोटाशियम हासिल करता है, प्लांट के रूट्स के अंदर आ जाता है इजीली। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सचेंजेबल पोटाशियम है वो है ये जो हमारे पास एक्सचेंजेबल पोटाशियम होता है जो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करता है। तो देखिए सबसे नीचे जो होगा वो अनअवेलेबल होगा, बीच में लेस अवेलेबल होगा, और सबसे जो ऊपर सरफेस पे होगा वो इजीली अवेलेबल होगा। फंक्शंस की बात करूँ तो पोटाशियम आइंस रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। अब ये कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। एंड देयरफॉर जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अपटेक को भी ये रेगुलेट करता है, किसकी अपटेक को, कार्बन डाइऑक्साइड की अपटेक को भी रेगुलेट करता है। अब सुन लें, जैसे कि अब हमारे पास एक लीफ है, लीफ के सरफेस पे अगर हमें कहूँ कि लीफ्स के सरफेस के ऊपर या हम कहेंगे एपिडर्मस के ऊपर, देखिए प्लांट के ऊपर लीव्स में एपिडर्मस भी होता है और एपिडर्मस भी है, अपर एपिडर्मस भी है, लोअर एपिडर्मस भी है। तो प्लांट के जो एपिडर्मस है वहाँ पर गार्ड सेल्स की वजह से दो गार्ड सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक ओपनिंग जो फॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटा। अब क्या होता है जब भी प्लांट्स डे टाइम में, ड्यूरिंग डे टाइम में जो स्टोमेटा ओपन होता है वो क्यों होता है, स्टोमेटा ओपन क्योंकि गार्ड सेल्स क्या होते हैं, टर्जिड होते हैं, फुली हाइड्रेटेड होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा पानी होता है जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब ये पानी कहाँ से आया, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इनफ्लक्स होती है, क्या होती है, इनफ्लक्स होती है, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। इनफ्लक्स मीन्स इनवर्ड मूवमेंट होती है पोटेशियम की, पोटेशियम की मूवमेंट की वजह से, यहाँ पोटेशियम की मूवमेंट की वजह से जो यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूट अंदर आ रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होगा और वाटर का जो पोटेंशियल है यहां, अच्छा उसके बाद वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। सो सॉलिड पोटेंशियल की वजह से गार्ड सेल्स का जो एनवायरनमेंट होगा वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक मीन सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम, जिसकी वजह से यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल के अंदर जनरेट होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, capacity to absorb water is called osmotic pressure. So यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, पानी अंदर की तरफ आएगा और guard cells क्या हो जाएंगे, turgid हो जाएंगे। ये कब हुआ, जब influx हुआ potassium ion, potassium ion guard cells के अंदर enter हुआ, solute potential increase हुआ और water potential decrease हुआ, जिसकी वजह से गार्ड सेल, अच्छा सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल की अगर बात करूँ तो एबिलिटी टू लूज वाटर, पानी गार्ड सेल्स कम लूज करेंगे ज़्यादा लेंगे, ओके तो इसीलिए वाटर पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज होगा और सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा और गार्ड सेल्स का एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वाटर अंदर की तरफ आएगा और गार्ड सेल्स ओपन हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे और गार्ड स्टोमेटा ओपन हो जाएगा ड्यूरिंग डे टाइम। उसके बाद नाइट के टाइम पर अगर देखें तो ये आउटफ्लक्स होता है, आउटवर्ड मूवमेंट होती है, क्या चीज़ होती है, आउटवर्ड मूवमेंट होती है ड्यूरिंग नाइट टाइम। आउटवर्ड मूवमेंट जब भी पोटाशियम बाहर आएगा रात के वक्त तो सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होगा और वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इनका इन्वायरमेंट होगा अंदर का वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक होगा और ये पानी को लॉस कर लेंगे, एक्सेसिव बाहर हाइपरटोनिक होगा और अंदर हाइपोटोनिक होगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस हो जाएगा और ये स्टोमेटा फ्लैसिड हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे ड्यूरिंग नाइट। तो किसकी वजह से हुआ, रेगुलेशन हुई स्टोमेटा के ओपनिंग या क्लोजिंग की, वो हुआ पोटेशियम आइंस की वजह से, इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आइंस की वजह से हुआ, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास अगर हमें डिफिशेंसी देखूँ तो क्या है, सबसे पहले डिफिशियंसी लीव
colors turn into dull or bluish green. Leaves का color bluish green हो जाता है, change हो जाता है, dull हो जाता है बहुत. Irregular chlorosis होती है. अब chlorosis कौन सी है? यहाँ पर देखिए marginal, margin के ऊपर क्या होगा? Chlorosis होगी, loss of chlorosis chlorosis होगा, जिसकी वजह yellowish of leaves होगी, मतलब yellow color appear होगा, chlorosis होगी. और इसके अलावा growth stunted हो जाएगी, growth reduce हो जाएगी. और leaf crinkling, अच्छा क्रिंकल मीन्स फोल्ड या रिंकल्स, लीफ के ऊपर फोल्ड्स फॉर्म होंगे, लाइक वेव्स की तरह लीव्स फोल्डेड हो जाएगा. ओके इसको कहते हैं क्रिंकल्स. ये किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ पोटाशियम की वजह से होगा. उसके बाद हमारे पास लास्ट है आयन, जो कि मैग्नीशियम आयन है. ओके मैग्नीशियम आयन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब देखिए मैग्नीशियम आयन की अगर बात करूँ तो मैग्नीशियम के सोर्स क्या है? मैग्नीशियम प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, सॉइल से हासिल करता है इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन. डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में अपटेक करता है. और ये किस फॉर्म में मौजूद होता है? सॉइल के अंदर वाटर सोल्यूबल फॉर्म में भी होता है, एक्सचेंजेबल फॉर्म में भी होता है, और फिक्स फॉर्म में भी होता है. लाइक आपने ये इससे पहले भी पढ़ा था, अपने पोटाशियम को पढ़ा था, तो ये एक्सचेंजेबल फॉर्म में भी होता है, फिक्स फॉर्म में भी होता है, और वाटर सोल्यूबल फॉर्म में भी होता है. फंक्शंस क्या है मैग्नीशियम के? ये मेन कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल रिंग का. क्लोरोफिल के अंदर रिंग है ना, जो मैंने आपको बताया था पोरफायरिन रिंग, तो जो सेंटर है क्लोरोफिल का वो है पोरफायरिन रिंग का, वो है मैग्नीशियम आयन. इट रेगुलेट्स अपटेक फास्फोरस अपटेक बाय रूट्स. ये फास्फोरस कैरियर है. सिंपल कहूँ तो ये क्या है? मैग्नीशियम आयन रूट्स के अंदर क्या करवाता है? अपटेक करवाता है. किसकी? फास्फोरस की. और ये कुछ एंजाइम्स का एक्टिवेटर भी है, एंजाइम एक्टिवेटर भी है. ओके एंजाइम की एक्टिविटी को इंड्यूस करता है, इंक्रीज करता है. अगर डिफिशियंसी में जाएं तो सबसे पहले देखें, अगर ये फास्फोर सबसे पहले येलिंग ऑफ लीव्स करेगा ड्यू टू क्लोरोसिस, क्योंकि क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट है. इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्लोरोसिस लॉस होगा, जिसकी वजह से क्लोरोसिस होगी, और क्लोरोसिस की वजह से येलोइंग ऑफ लीव्स होगा. दूसरा, लीव कलर एबनॉर्मल होगा. क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस अपटेक लो है, लो. ओके तो दूसरा, लीफ एब्सेशन होगी. एब्सेशन किसे कहते हैं? फॉइल ड्रॉपिंग या फॉइलिंग ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स. लीव्स झड़ते रहेंगे और ये क्या होगा? इसको हम कहेंगे लीफ एब्सेशन. और इसके बाद डीफोलिएशन. डीफोलिएशन क्या है? लॉस ऑफ लीव्स. लीव्स लॉस हो जाएंगे, गिरेंगे तो जाहिर सी बात है प्लांट के ऊपर लीव्स नहीं रहेंगे, लॉस हो जाएगी ज़्यादा लीव्स की, और जिसकी वजह से नेक्रोटिक अपर स्पॉट्स अपियर होते हैं लीव्स के ऊपर. ओके अच्छा, इसकी डिफिशियंसी थोड़ा ट्रेवल करती है, वो कैसे? सबसे पहले डिफिशियंसी ओल्डर लीव्स में आती है, उसके बाद यंगर लीव्स के अंदर जाती है, ओल्डर से यंगर के अंदर. ओके सो बेटा, ये हमारे पास मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. इसको पढ़ते रहें और इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगी. और इसको फॉलो करें, बेहतर तरीके से पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है. एमडीकेट के लिहाज से आपको पता होना चाहिए, और ये कॉमन सेंस और ये नॉलेज है हमारे पास. अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो इतनी तो नॉलेज हमें होनी चाहिए. यह बेसिक सी नॉलेज है कि प्लांट के अंदर मिनरल्स का क्या रोल होता है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स का रोल है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी मिनरल्स का रोल है. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.